नमस्कार दोस्तों, इंडिया में लॉन्च होने वाला है पोको X6 सीरीज, जिसका मेंशन हो चुका है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। अभी हम बात करेंगे पोको X6 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, बिकॉज इस फोन का रिटेल बॉक्स या फिर जो ऑफिशियल लुक होता है वो सारा निकल के आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, पोको X6 सीरीज लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर और फ्लिपकार्ट पर मेंशन भी हो चुका है। यहाँ पे दो फोन को लॉन्च किया जाएगा, पहला है पोको X6 5G, उसके बाद होने वाला है पोको X6 Pro 5G। दोनों फोन का जो लुक एंड डिजाइन वो निकल के आ चुका है, लेकिन अभी हम प्रॉपर बात करने वाले हैं पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। देखिए, ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लुक एंड डिजाइन आप यहाँ पर देख पाओगे। चाइना में जो लॉन्च हुआ था रेडमी के 70E 5G स्मार्टफोन, सिमिलर फोन आने वाला है इंडिया में पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन के नाम से। फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और फोन का जो रिटेल बॉक्स होता है वो सारा निकल के आ चुका है, जिसमें प्राइसिंग वगैरह भी मेंशन होता है, तो सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग फोन होगा और इसमें आप गेमिंग काफी अच्छे लेवल तक कर पाओगे, बिकॉज इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, जिसका एंटूटू स्कोर आता है 1.5 मिलियन के आसपास। मतलब आप इस फोन में गेमिंग काफी हाई एंड लेवल तक कर सकते हो, और ये फोन स्पेशली गेमिंग को ही टारगेट करता है। इसमें कैमरा वगैरह उतना कुछ खास नहीं है। देखिए, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और काफी अच्छा खासा टच सैंपलिंग रेट भी होने वाला है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस फोन में होने वाला 64MP का AI ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ से, जहां पर 64MP का मेन कैमरा है, उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 2MP का एक और कैमरा, और फ्रंट में होने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर T95 होल के साथ। इस फोन में लगा हुआ मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा जो कि आता है LPDDR5 रैम के साथ और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ। मतलब इस फोन के साथ आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलने वाला है, और इस फोन में होने वाला है 13 5G के वैन, 5500mAh का बैटरी होने वाला है जो कि आएगा 90W चार्ज सपोर्ट के साथ, जो कि चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा, हेडफोन जैक भी होने वाला है, और एंड्रॉइड 13 पर रन करता हुआ दिखेगा जो कि बेस्ड होने वाला है MIUI 14 पर, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा MIUI का डायलर। देखिए, फोन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें कलर वगैरह का, तो आप यहाँ पर देख पाओगे इंडिया में जो कलर लॉन्च होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, और यहाँ पर जो कैमरा का लेआउट है उसी में पोको लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। और पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर येलो कलर वाला वेरिएंट भी होने वाला है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख पाओगे। और ये फोन 3 कलर के साथ आने वाला है, तीनों कलर कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो ये फोन लॉन्च होने वाला है 4 जनवरी के बाद ही, बिकॉज 4 जनवरी को रेडमी का इवेंट है, तो उसके बाद ही ये फोन लॉन्च होने वाला है। देखिए, ये फोन लॉन्च होगा 30,000 के अप्रोक्स में, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद इसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 27,000 में, बिकॉज इस फोन का रिटेल बॉक्स भी निकल के आ चुका है, लेकिन बॉक्स पे प्राइसिंग को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट होगा उसे डिस्काउंट करने के बाद आप बाय कर सकते हो 27,000 में, और 27,000 में काफी बेस्ट फोन रहेगा। हालांकि पोको के कई सारे फोन का मदरबोर्ड भी उड़ चुका है, फिर भी फोन काफी इंटरेस्टिंग होता है परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आप इस फोन को लेकर इंटरेस्टेड हो तो आप इस फोन के लिए वेट कर सकते हो। धन्यवाद।